हैं उनसे मैं एक बार ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस को देखें, और जिनसे कि आपको जो भी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और किस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके बारे में पता चलेगा, जो कि आप देख के सीख सकते हैं और डेली बेसिस पे इंट्राडे पे ट्रेडिंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी डील के बारे में जो कि रिलायंस में हुई है, और इस डील के साथ ही रिलायंस ने खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं जनरली करता क्या हूँ कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग से जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, अब मैं धीरे धीरे उस प्रॉफिट को अब इन्वेस्टमेंट की ओर भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी अर्निंग करें ट्रेडिंग से उसको हम कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए मैंने अब एक ये न्यू सीरीज शुरू की है स्टॉक्स को लेके, जिसमें कि मैं डेली बेसिस पे हर एक ऐसी डील्स के बारे में और ऐसे स्टॉक्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें कि हम अपने बहुत ही अच्छा रिटर्न हमारे को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ही आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग करने की नॉलेज लेके आप उससे पैसे कमा सकते हो और फिर आप उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आज के रिलायंस की ऐसी एक डील के बारे में। एक रिलायंस ने बहुत ही बेहतरीन डील की है, और उस डील के साथ ही रिलायंस ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन में लेके आ गई है, और जैसे कि उसने अपने ऊपर का सारा जो भी डेप्थ था वो तो उन्होंने ख़त्म कर ही लिया था, और अब उसके बाद उन्होंने अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी रिलायंस जियो को और बिगर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है कि एक स्टेटमेंट भी आई थी कि आने वाले टाइम में रिलायंस का जो है पूरा का पूरा फोकस ऑयल से चेंज होकर वो डाटा की ओर, अपने रिलायंस जियो की ओर ही बहुत कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। उसके साथ साथ वो जियो मार्ट के ऊपर भी वर्क करने वाले हैं, और हमें पता है कि किस तरीके से कुछ दिनों से रिलायंस का पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो डील्स कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं कि वो किस तरीके से ग्रो कर और रिलायंस का शेयर किस तरीके से भाग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये हर एक रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खुशी वाली बात होगी, और उनको एक बहुत ज़्यादा एक इस कंपनी में कन्विक्शन के साथ वो अपने स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे। प्लस जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप एक बार रिलायंस के शेयर को बाय करें और उसमें अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि फ्रेंड जिस तरीके से रिलायंस चल रहा है और वो जिस विज़न के साथ वो रिलायंस जियो के लिए वर्क कर रहा है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करता हूँ आज के डील की। सो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि जो यूएसए की बहुत ही बड़ी एक कंपनी है, बहुत जायंट कंपनी है क्वालकॉम, उन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किए हैं, अच्छी खासी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, और ये रिलायंस जियो की लास्ट 12 वीक्स में 13th डील है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जियो ने पहले ही अपने आप को डेट फ्री तो कर ही लिया था, बट फिर भी उन्होंने आखिर क्यों फंड रेज किया और क्वालकॉम जैसी इतनी बिग जो आईटी एक कंपनी है उसके साथ डील किया, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई डील इन्होंने रिलायंस वालों ने ऐसे ही नहीं की, इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीज़न है, और वो चीज़ को हम समझेंगे कि ये आखिर क्यों है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वालकॉम इज़ द थर्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आफ्टर फेसबुक एंड यूएस सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल इन द जियो प्लेटफॉर्म विच कॉम्प्राइजेज टेलीकॉम कंपनी जियो, इन्फोकॉम एंड मूवीज न्यूज एंड म्यूजिक एप्स। तो फ्रेंड्स, फेसबुक और इंटेल के बाद अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो जो कि मतलब एक स्ट्रेटजी के अंडर इन्वेस्टमेंट की गई होती हैं, जो कि ऐसी कंपनियों के साथ टाई अप किया जाता है जो कि ना सिर्फ आपको पैसे दे के आपकी कंपनी में इक्विटी स्टेक लेती हैं, बल्कि आपकी कंपनी को ग्रो करने में भी स्ट्रेटजिक तौर पे आपकी हेल्प करती हैं और आपकी कंपनी को ग्रोथ करवाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि फेसबुक के साथ डील करने के पीछे रिलायंस का जो पर्पज़ था मार्केट में उतर चुका है, और जियो मार्ट में जो ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो फेसबुक, जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक का ही ऐप है और फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया था। तो जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जियो जो भी ऑर्डर्स वगैरह लेगा, जिसमें कि हम ग्रोसरी के ऑर्डर्स दे सकते हैं, वो सारे हम फेसबुक में जो जो फेसबुक ने एक्वायर किया है व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स दे पाएंगे इसके जियो मार्ट के, और पेमेंट भी जो है वो हम व्हाट्सएप के थ्रू कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। प्लस जो इंटेल कंपनी है वो जो कि जैसे कि लिखा हुआ है कि यूएस सेमी कंडक्टर कंपनी है, तो फ्रेंड्स इंटेल कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने का, इंटेल कंपनी ने जिनमें इन्वेस्टमेंट की थी और इनमें इक्विटी ली थी, उसका कहीं ना कहीं जियो को जो बेनिफिट मिलेगा वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने में, और आगे जो भी इन्होंने अगर इनका कुछ
जियो मोबाइल को लेके कुछ भी फर्दर इन फ्यूचर अगर कोई प्लान होता है और टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी तरीके की इन्होंने एक्सपेंशन करनी है, तो उसमें इंटेल इनकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनका सेमीकंडक्टर्स के बहुत बड़े जाइंट है और बहुत इनको एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वालकॉम कंपनी की, तो जो फ्रेंड्स ये क्वालकॉम कंपनी है इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी कंपनी है। ये 4G 5G इंटरनेट इस टाइप का जो भी इंटरनेट के होते हैं उनमें इनकी काफ़ी महारत हासिल है। और अगर हम बात करें, इन्होंने 730 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जियो प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ, और इक्विटी स्टेक इन्होंने लिया 0.15% का स्टेक लिया है इन्होंने जियो इन्फोकॉम के अंदर। तो फ्रेंड्स ये कॉन्टिन्यूसली 13th इन्वेस्टमेंट है लास्ट 12 वीक्स में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तो आपको पता ही होगा कि मार्च में जब कोरोना वायरस के बाद मार्केट फॉल हुआ था, उसके बाद किस तरीके से 900 रुपीज़ पर रिलायंस का स्टॉक आ चुका था, बट उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली हमारे को अप मूव ही देखने को मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस का नहीं पता चल रहा। बीच में कई बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था कि 1500 पे आ गया है तो यहाँ से करेक्शन हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी रिलायंस के स्टॉक ने 1500 का भी अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया और कॉन्टिन्यूसली वो अप मूव लगाते लगाते इस टाइम 1800 के को क्रॉस कर चुका है। तो फ्रेंड्स ये एक हर उस रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए जिसके पास के रिलायंस का शेयर है और जो कि फ्यूचर में रिलायंस का शेयर अभी बाय करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है, जिससे कि आपको अपनी होल्डिंग के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कन्विक्शन के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है तो उस टाइम पे वो लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है कि वो जो स्टॉक है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है ये मार्केट में इस चीज़ का हमारे को बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलेगा और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका कि आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैन डिएगो कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है और जैसे कि मैंने बताया कि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है 3G 4G एंड 5G वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ में है, जो कि वाइडली यूज होता है मोबाइल डिवाइसेस में और वायरलेस प्रोडक्ट्स में। तो फ्रेंड्स इस ऐसी ही पार्टनरशिप्स को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कहते हैं, क्योंकि अब जब ये डील आज जो हुई है क्वालकॉम और रिलायंस जियो के बीच में, इससे रिलायंस जो है वो अपनी 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर बहुत अग्रेसिवली फ्यूचर में वर्क करेंगे। और वो चाहते, रिलायंस यही चाहता है कि एक तरीके से पूरे इंडिया में जो डाटा और जो स्पीड ये सब वो इस तरीके से प्रोवाइड करें कि उनकी मोनोपोली हो मार्केट में और वो मार्केट लीडर बने। और जैसा कि आने वाले टाइम में हमारे को पता है कि रिलायंस का कुछ ऐसा प्लान है कि वो जियो मार्ट को और जियो इन्फोकॉम को अलग अलग लिस्ट करने के कोशिश में है। तो फ्रेंड्स वैसे में जो भी शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस के, उनको कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट होगा। बेशक स्टॉक स्प्लिट्स भी होते हैं फ्यूचर में, तो उस केस में भी जो हम शेयर होल्डर्स जो भी हैं रिलायंस के, उनको इस चीज़ का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ें दिखा रही हैं कि जो भी रिलायंस पार्टनरशिप कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, वो जियो के लिए अलग पार्टनर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रहा है और जियो मार्ट के लिए उसका अलग विज़न है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कंपनी को लेके। और क्वालकॉम की बात करें तो ये तो खैर इसके बहुत ही महारती है ही, इनके नाम कई पेटेंट्स भी हैं। इनफैक्ट इन्होंने इंडिया में भी बहुत से पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। और 3 जुलाई को ही वैसे इंटेल कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट की थी 1894 करोड़ की 0.39% स्टेक के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो एक कंपनी है ये 5G टेक्नोलॉजीज में तो स्पेशलाइज है क्वालकॉम, उसके अलावा इनको ब्रॉडबैंड गेटवे इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी एक्सपर्टीज है। तो इसकी वजह से जैसे कि हमें पता है कि फ्यूचर जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमोटिव, इन चीज़ों में इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा हर उस शेयर होल्डर को। तो फ्रेंड्स ये राइट टाइम है कि आपके पास अगर इसके शेयर्स हैं तो आप उसको होल्ड करें, और अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आपको शेयर्स को बाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादातर केसेस में यही सोचते हैं कि अब इससे ज़्यादा कंपनी कितना भागेगी और कितनी मूवमेंट होगी, और उस चीज़ के
वो चीज़ हम सोचते रहते हैं, और उस चीज़ में हम करते क्या है कि बेसिकली हम अपनी जो होता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इतना इन्वेस्ट कर रही हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, तो वो ऐसे नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बिज़नेस पोटेंशियल देखा है, उसी लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। तो मैं भी आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, और आप लोग भी अगर शेयर होल्डर्स हैं तो आप उसे अपने पास होल्ड रखें, और बाकी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट लें और ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करें और इस शेयर को बाय करें। थोड़ी सी अगर हम और एनालिसिस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मार्केट कैप आप देखिए कितना ज़्यादा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और अभी जो करंट प्राइस है शेयर का वो 1878 पे चल रहा है। 52 वीक लो जो था 867 था, जो कि COVID-19 में जिस टाइम पे मार्केट गिरी थी उस टाइम पे जो लो बना था, या उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली जो स्टॉक है वो हमारे को अप मूव ही दे रहा है। स्टॉक का पी बहुत अच्छा है, और ROC आप देख सकते हैं 10.69% का ROE बहुत अच्छा है। कॉन्टिन्यूसली कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि जिस टाइम पे ये वो पॉइंट है जब लो लगा था इसमें मार्च में, और उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली हमारे को अप मूव ही देखने को मिला है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, अप मूव, रिट्रेसमेंट, कॉन्टिन्यूसली हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यही बन रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा वो है कि हमारे को इसमें अपनी राइट टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इस चीज़ का हमारे को बेनिफिट लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो मेरी एनालिसिस है, जो मैंने आप लोगों को एक ये स्टॉक का डिटेल बताया, और आपको बताया कि आखिर इस डील का क्या फ़ायदा है, और जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको ये शेयर किए हैं, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेंगी। आपको अगर मेरी ये डिटेल्स और मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी, जो भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने कि अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़िरोधा में जाके अपना अकाउंट ओपन करें, जो कि इंडिया का सबसे नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर है, और यहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस में आप इसमें इंट्राडे में ट्रेड भी कर सकते हैं। और जो भी आप डेरिवेटिव में अगर कुछ लेते हैं तो उसके लिए आपको ब्रोकरेज जीरो लगती है अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। तो जो भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जीरोधा में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने अपना एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करने का। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस चैनल की सारी प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखें ताकि आपको, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखें ताकि आपको पता चले कि मेरा ट्रेडिंग का क्या स्टाइल होता है, और किस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन बाइंग से और स्कैल्पिंग करके मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अर्निंग का सोर्स है, ट्रेडिंग करके मैं अपनी अर्निंग बनाता हूँ और वहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ, और फिर वही पैसों को मैं इन्वेस्टमेंट में भी लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सेफ चलते हैं, क्योंकि सिर्फ सारा पैसा आप ट्रेडिंग में नहीं लगाते, आप कुछ पैसा जो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है इक्विटी में भी लगाते हैं, और वहाँ से भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें वीडियोज़ को, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।